हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो मैथ का जो क्वेश्चन है 30 एकदम महत्वपूर्ण सवाल जो आपके 28 तारीख जो एग्जाम होने वाला है मंथली अक्टूबर एग्जाम, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस कि यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है और आप जो पढ़े हैं वही सब सवाल मिलेगा। इसमें थोड़ा मना आगे पीछे हो सकता है लेकिन लगभग लगभग सवाल वही है जो आपने पढ़ा है। ओके, तो जो सवाल है आपको ध्यान से देखना चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे बनाया जाता है, ये भी आप सीखने को मौका मिलेगा, सीख भी जाइएगा और आपका एग्जाम में भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखें। वैसे मैं आपको एक अपना नंबर देता हूँ, अगर आपको मेरे से जुड़ना चाहते हो, आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर हमारा है 8102432200। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। चाहे तो आप, मैं इसका नंबर आपका सेव कर लूंगा और फिर आपको जो है स्टेटस वगैरह में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो ये नंबर हमारा है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सवाल है, बोला गया है कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि इसको बोला गया है प्राइम नंबर। क्या बोला गया है? इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। ये सब नाम याद रखिएगा, प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या बोलते जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और से ना कटे, सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो वो संख्या कौन होगा? 41 होगा। क्योंकि देखिए 17 से 51 होगा, 13 से 93 होगा, ये भी कट जाएगा 13 से, तो ये 41 जो है किसी से नहीं करता, एक से करता है और खुद से करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, ये ए का मान दे दिया और बी का मान क्या दिया, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3। बोलता है कि इसका मासा निकाले, क्या निकालना है? मासा यानी कि HCF निकालना है, HCF। अब ध्यान से देखिए HCF कैसे निकालते हैं। सबसे 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, तो कॉमन क्या होगा? 2 पर पावर 3 जो है कॉमन हो जाएगा। 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 कॉमन हो गया। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 3 3 9, 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या ये रूट में अभी, ठीक है ना, ये रूट में 1/16। तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 1/16, तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, लेकिन 11 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे पूरा पूरी, पॉइंट में तो निकल जाएगा पूरा पूरी, तो इसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। फिर आपका सवाल, कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है, यहाँ पे जानिए। देखिए ये पावर है, यहाँ पे 3 जो यहाँ पे पावर है, स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखो पहली बात, तो रूट में अगर आ गए एक्स वाई जेड, ये द्विघात होगा नहीं। यहां पे देखो रूट में ना, हाँ, इसको अगर बनाओगे तो 2 घात आएगा नहीं, 2 पावर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो x+1 का होल क्यूब है, तो ये भी तो नहीं आएगा। इसको बनाओगे ना a+b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा इसमें। मतलब द्विघात समीकरण में 2 वाला घात आना जरूरी है, तभी द्विघात समीकरण हो सकता है। अगला सवाल बोला कि fx, देखिए दे दिया, कितना दे दिया, x²-2x+1। तो बोलता कि f0 का मान क्या होगा। बड़ा आसान है, जहां पर x वहां पे आपको 0 लिख देना है, ठीक है ना। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला x की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, +1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 2 को 0 गुना 0 + 1 यानी कितना गया, 1 आ गया। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए वाला हो गया बिल्कुल राइट आंसर। कितना आसान सवाल है, एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिलेगा। देखिए सवाल है x²-4x+4=0, मूलों का योग क्या होगा। अब बड़ा आसान है मूलों का योग निकालना। यहां पर a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -4 है, और c का मान कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे मूलों का योग मतलब α+β - b/a, b का मान कितना है, -4, ए का मान कितना, 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसको 4 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सातवां सवाल देखिए, दिया हुआ है px²+qx+r=0, मूलों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब α×β, और आपको पता ही है α×β का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पे a p है, b के जगह पे q है, c के जगह पे r है, तो r लिखेंगे और a के जगह पे क्या है, p है, यानी कि r/p। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, c वाला हो गया बिल्कुल राइट आंसर। द्विघात समीकरण 2x²-10=0, स्क्वायर है वहां पे, ठीक है ना। 2x²-10=0 के मूल क्या होगा,
अब इसका मूल निकालना बड़ा आसान होता है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस दस को भेज देंगे दाएं तरफ तो प्लस दस हो जाएगा, और ये जो दो गुना में जा क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया, पांच हो गया, दो पांच दस, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में रूट बन जाएगा, प्लस और माइनस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दसवां नौवां सवाल देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री के मूल क्या होंगे, इसको करना पड़ेगा गुणनखंड। कीजिए टू एक्स स्क्वायर, तीन दुना छे ना, तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे वन कौन होगा, टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x माइनस वन बचेगा और टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो बचेगा। तो x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर हो जाएगा वन, टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, टू एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू और वन, थ्री बाई टू वन, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए सवाल क्या दे हुआ है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो है, का एक मूल दो है। एक मूल मतलब क्या होता है, यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है दो, तो जहां जहां पे एक्स वहां वहां पे दो हमको बैठा लेना है। चलिए चार हो गया, चार एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, दो का स्क्वायर, एक्स जगह पे दो लिखेंगे प्लस छह बराबर जीरो। देखिए चार और दो दूना चार, टू को बी से करेंगे, टू बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, चार चौक सोलह, टू बी प्लस सिक्स बराबर जीरो, सोलह छह कितना होता है, सोलह छह बाईस होता है, बाईस को भेज देंगे उधर बराबर किधर, तो माइनस हो जाएगा। अब दो से काटेंगे इसको, माइनस बाईस बटे दो, तो ग्यारह दूनी बाईस, माइनस में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये बोलता है बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या हो गया, माइनस ग्यारह हो गया। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा टाइप का है। देखिए एक रेखा है, ए है और बी है, दो माइनस तीन है और ये पांच छह है, यहाँ पे कोई बिंदु एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर किस अनुपात में बांटता है, तो एक्स अक्ष का अनुपात क्या होगा, एक्स और जीरो होगा, एक्स अक्ष का अनुपात क्या होगा, एक्स जीरो होगा। मानते हैं इसको कि एम वन अनुपात एम टू अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो हमको एक्स किस अनुपात में बांटता है वो निकालना है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बनाने का तरीका बड़ा आसान है। हम जानते ना, अब देखो एक्स तो है ना, हम जानते क्या कि अगर एक्स से निकालना होगा, देखो एक्स निकालने का निर्देशांक क्या है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, ये एक्स निकालने का, एक्स नियम निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर वाई निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, वाई जीरो है तो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू, तो वाई क्या है, जीरो है, तो बेहतर होगा हम जीरो का ही वैल्यू लेके बैठा है यहाँ पे, क्योंकि एक्स का मान बैठाएंगे तो एम वन एम टू भी तो पता नहीं, एक्स भी पता नहीं, तो फिर बड़ी दिक्कत होगा, तो हम जीरो का ही बैठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हम ना क्या करेंगे, ये बोला जीरो ही बैठा लेंगे, वाई का मान क्या है, देखो वाई का मान क्या है, जीरो है, एम वन का नहीं मालूम, चलो ठीक है, वाई टू कितना है, देखिए छह है, छह लिख लेंगे, एम टू नहीं मालूम, वाई वन कितना है, माइनस थ्री, यहाँ पे एम वन प्लस एम टू, ध्यान से देखिए M1 को M2, M1 M2 को अगर जीरो से गुना कर दें क्रॉस हो तो क्या होगा, ये जीरो क्या हो जाएगा, है ना, M1 M2 को जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस में जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिक्स M1 प्लस माइनस माइनस थ्री M2। अब एक काम करो, एक काम करो, M1 को इधर भेज दो तो माइनस सिक्स M1 हो जाएगा और माइनस थ्री M2 हो जाएगा, दोनों तरफ जो माइनस होता है ना क्या होगा, ये माइनस कर जाएगा। देखो M1 है, M2 को नीचे लाओ, इधर लाओ क्रॉस में, इसको इधर भेज दो, M1 M2 आ गया, तीन दूना छः, एक अनुपात दो, तो M1 अनुपात M1 एक हो गया, M2 दो हो गया, वन अनुपात टू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे सवाल को, तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया भाई, हालांकि ये दो नंबर सवाल में आना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, ये दे दिया है कि दो बिंदु है, मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, फॉर्मूला एक्स वन एक्स टू प्लस
क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। एक्स वन कितना है माइनस आठ है, एक्स टू कितना है सिक्स है, वाई वन कितना है सिक्स है, वाई टू कितना है फोर है। आठ में से छह घटेगा माइनस दो बटे दो, छह चार दस बटे दो, तो दो एक कम दो, दो पच्चे दस, माइनस वन और फाइव, माइनस वन और फाइव, कोई दिक्कत नहीं। फाइव अच्छा ये तो है माइनस वन फाइव, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगा, बड़ा आसान सवाल देखिए। ये है एक्स की वाई, एक बिंदु है चार छह, कहां पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, पहला पद में होगा चार और छह। बोला गया वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से, वाई अक्ष कौन ये वाला, इसकी दूरी या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, तो इधर कितना दूर जाएंगे, जितना जो दूर x रहेगा वही तक तो जाएंगे ना, y अक्ष से दूरी कहां तक जाएंगे, जहां तक x रहेगा, तो x कहां तक है चार ही तक है ना, तो चार हो जाएगा। अगर बोलता कि x अक्ष से दूरी बोलता तो x अक्ष कहां तक जाते हैं, छह तक जाते हैं, ऊपर कहां तक है छह तक है, तो छह तक जाते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे देखिए, सेवन सेक स्क्वायर माइनस सेवन टेन स्क्वायर, सेवन को कॉमन लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा ने दिया हुआ, अच्छा तो छूट गया ये टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला का तो वन, सात एकम सात, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, आसान सवाल है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। आप आंसर ऐसे भी ला सकते हैं, या तो फिर साइन 45 का मान वन बाई रूट टू का स्क्वायर, कॉस 45 का मान भी वन बाई रूट टू का स्क्वायर, एक बटा दो, एक बटा दो, दो दो एलसीएम क्या होगा, दो बटा दो यानी कि वन। आप फॉर्मूला से भी बैठा ला सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, थीटा बराबर होना चाहिए बस, या तो आप टेबल का फॉर्मूला बैठा के आंसर ला सकते हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, कॉस 59 बटा साइन 31, टेन 80 बटा टेन 10, ये कटेगा ये भी कटेगा, बराबर करेंगे तो आ जाएगा क्या, वन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है क्या होता है, टेन सेक 90 माइनस थीटा ना कॉसेक थीटा होता है, क्या होगा कॉसेक थीटा। देखिए क्या बोलता है, देखो यहाँ सवाल छूट गया क्या, तुम सवाल लिखो, टू कॉस थ्री ए बराबर वन दिया है। ओके तो आगे बोलता है ए का मान, वहां पे आगे कुछ दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है, चलो ठीक है यहां से बन जाएगा हमारा। ओके यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए टू कॉस थ्री ए, टू को ना इधर भेज दो, वन बाई टू, दो गुना जाकर बनेगा भाग बन जाएगा। कॉस का फॉर्मूला में एक बटे दो आता है, बिल्कुल आता है, किसमें आता है कॉस 60 डिग्री, कॉस कॉस कर जाएगा, थ्री ए बराबर 60 डिग्री, 20 60, ए का मान 20 डिग्री, ये डिग्री है ठीक है ना, जीरो नहीं वो डिग्री मानिएगा आपको। अगला सवाल है देखिए, ये आपको ऐसे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, बोलता कि ए सी का स्क्वायर, यह है ना कर्ण को क्या होता है, कर्ण तो ए सी होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये कौन सा कब फॉलो होता है, ये फॉलो कब होता है, ये पाइथागोरस का नियम कब लागू होता है, जब यहां पे 90 डिग्री रहेगा तब, क्योंकि इसी के सामने तो कर्ण होता है ये वाला, तो बोलता है बी का मान क्या होगा, बी का मान 90 डिग्री होगा, और क्या है ना, बी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। त्रिभुज देखिए, ए बी सी डी एफ दो त्रिभुज है, उसका देखो भुजा दे दिया है 1.2 और 1.4, तो बोलता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको मैंने बोला था ना भुजा का अनुपात 1.2 अनुपात 1.4 ऐसे दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 1.2 का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर कीजिए, 1.2 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक 1.44 आएगा, इसका कीजिएगा 1.69 आएगा, तो देखिए दो अंक बाद इधर पॉइंट है दो, ये तो देखो ऐसे करो, पॉइंट काटेंगे नीचे लिखेंगे 100, पॉइंट काटेंगे नीचे लिखेंगे 100, ठीक है ना, उसके बाद 100 100 का कट जाएगा, 144 है ना, 169 14 का सॉरी 196 होता ना, 14 क्या होगा 196 होगा, काटिए इसको, सो काटिएगा ना
36 चौक 144 और 49 चौक 36 49 आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसके आगे तो कटे करेंगे आपका। बोलता सवाल क्या, एक देखिए एबीसी, ए बी सी पी क्यू आर, बोलता है कि कौन ए जो है ना 36 डिग्री है, 36 डिग्री है ए वाला, ये पहले बोलते दोनों क्या समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका एंगल भी क्या होता है बराबर होता है, तो अगर ई वाला 36 डिग्री है तो बोले ई वाला भी रहेगा 36 डिग्री कंफर्म, क्योंकि समरूप है। आर 68 है, आर कितना है 68 डिग्री है, तो जब आर 68 हो जाएगा तो सी भी क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, तो बोलता है बी का मान निकले, तो ई 68 तो ई भी 68 हो गया, तो बी का मान कैसे निकालेंगे, ये दोनों जोड़ो 180 में से दोनों को घटा देंगे, कितना 8 6 14 4 बचा 1 6 3 9 10 घटा दीजिए, 10 में 4 घटेगा 6 7 76 ओके 180 में से घटा देना आपको। नेक्स्ट सवाल है बहुलक बताना है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखिए जो ज्यादा बार आया वही आपका बहुलक कहलाएगा। परिसर निकालना है, परिसर में क्या होता है सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, देखो सबसे बड़ा वैल्यू 33 है, सबसे छोटा कौन है 9 है, इसे छोटा कहीं पावर दिख रहा नहीं है, घटा दीजिए 9 4 13 बड़ा में से छोटा घटा देंगे यही निकलेगा हमारा परिसर। नेक्स्ट सवाल है यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला होता है 4πr² पाई का मान 22/7 7 × 7 22 × 88 × 7 856, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले में आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 4πr³ और 4π/3πr/2³ यानी कि आधी कर दिए ना, ये दोनों कट जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, आर का क्यूब आर क्यूब, दो का क्यूब कितना होगा 8 होगा, इधर कटेगा 8 इधर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना, हम थोड़ा स्पीड बता रहे समझ लीजिए। अर्ध गोले का त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2πr² ठीक है, किस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr×l+r, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 6 गुना घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब 8/3 कितना होगा 512। अधिका निकालना जोड़िए कैसे करेंगे, 4 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 तीन इधर से साइड करो, तीन इधर से साइड करो, बीच में जो बचेगा वही होगा माध्यिका ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला बता दिया। अब अगर आपको इसका चाहिए आपको ना इसका आंसर अगर चाहिए आपको शॉर्ट में, तो देखिए आपको मोबाइल में खोलना है गूगल, गूगल में लिखना है क्या ए ऑनलाइन सोल्यूशन डॉट इन लिखेगा, डॉट इन वैसे आ जाएगा आपको, लिखिएगा देखिए दो ठो आएगा डॉट इन आएगा और ऑफिशियल डॉट कॉम आएगा, बड़ा फास्ट चल रहा डॉट इन आएगा, देखिए एक तो आएगा डॉट इन और एक आएगा ऑफिशियल डॉट कॉम, तो इस धीरे चलता है आप इस पे आना, खुलना खुलेगा, खुलने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10th पे क्लिक करना अक्टूबर वाला एग्जाम वाला, खुलने बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ पहले का भी पूरा, और आपको मैथ का ना मैथ का है कि नहीं भाई, अच्छा नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जाके देख लेना पूरा आंसर, सब्जेक्टिव भी आपको मैं करवा दूंगा उसका भी आंसर, मेरे ख्याल इसका आंसर तो मिलना बड़ी मुश्किल होगा सब्जेक्टिव का, कोशिश करेंगे हाथ से बना के दे दे लेकिन वीडियो बना देंगे सब्जेक्टिव का ठीक है ना, तो नीचे कमेंट कीजिएगा इससे पहले वाला एग्जाम आपको कैसा गया और सवाल कैसा लगा ओके बाय। हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर सब्सक्राइब ओके।